नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी हां, देर रात 5 लोगों को अचानक पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत सामने आई, जिसके बाद सभी मरीज अस्पताल में भर्ती हो गए। वहीं डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप कर दवाई दी है और हालत सामान्य होने पर घर भेज दिया गया है। वहीं इन सभी मरीजों में डायरिया की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में 5 टीमों का गठन करके डियारा सेक्टर में अन्य लोगों की जांच और उन्हें डायरिया के प्रति जागरूक करने और ORS के पैकेट वितरित करने के लिए भेजा गया है। वहीं मेडिकल ऑफिसर की टीम आज शाम तक कुल कितने मामले सामने आए हैं इसकी रिपोर्ट CMO को सौंपेंगे। ये पता चला था कि डियारा सेक्टर में कुछ केस रात को यहाँ हॉस्पिटल में आए थे और उनको जो डायरिया या वॉमिटिंग की शिकायत थी, तो जब हमने कन्फर्म किया तो 4-5 केसेस यहाँ हमें पता चला था कि आए हैं। और उसी को देखते हुए फिर आगे के लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है और दो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स उनकी ड्यूटी लगाई कि जाके वो कन्फर्म करें, तो उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ डियारा सेक्टर है जो वहाँ पे कुछ केसेस हैं जो डायरिया के या पेट दर्द के या नौजिया और वॉमिटिंग के मिले हैं। तो जब हमने ये देखा कि हाँ केसेस हैं, तो उसी को देखते हुए फिर हमने दोनों जो MOs हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी जो उनको लीडर बना के उनकी लीडरशिप में टीमें बना दी हैं और 4 या 5 टीम्स हमारी इस समय काम कर रही हैं, जो घर घर जाके लोगों को जागरूक तो कर ही रही हैं लेकिन दवाई और ORS के पैकेट भी बांट रहे हैं और लोगों को इससे डायरिया डायसेंट्री से बचने के जो है वो उपाय भी बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे हेल्थ एजुकेटर और जो मास मीडिया के एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वो भी जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी क्योंकि ये अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, 2-3 घंटे का टाइम भी बीता है, तो इसकी फाइनल रिपोर्ट है, शाम तक पता चलेगी कि कितने केसेस हमें मिलते हैं। लेकिन ये है कि जितने भी अभी तक पता चला उनमें से सीरियस कोई नहीं है, सारे जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और ये आगे ना फैले, इसी के लिए हम ये जो टीम्स हैं जो घर घर जाके काम कर रही हैं और पानी के सैंपल्स हमने ले लिए हैं और भी जो रीज़न हो सकता है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या होगा।